हेलो जी, आप सबका स्वागत है इस व्लॉग में। अगर सब आ गए हो तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। हेलो, माय नेम इज यश टुडेजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ फ्लाइट से। मेरा बैग चेक इन हो चुका है, अब हम जा रहे हैं अपनी गेट की तरफ। तो चलिए आपको सीधे मिलते हैं और हम जा रहे हैं कसौल। हमारा यहाँ से फ्लाइट है चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ से हम बस लेके जाएंगे कसौल। अब हम अपनी गेट की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो थोड़ा कर लेना। तो चलिए अभी सीधा आपको मिलते हैं फ्लाइट में। तो हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, मैंने अपना सामान ले लिया है और बहुत ही अच्छी फ्लाइट थी। अभी हम लोग की 10:30 बजे की बस है कसौल के लिए। अभी बजे 6:30 है, तो अभी मुझे 4 घंटा रुकना है, इधर ही रुकना है, देखते हैं क्या करते हैं। और अभी हमें पता चला है कि हमारी बस थोड़ी सी लेट हो गई है, जो पहले 11 बजे आने वाली थी वो भी 12 बजे आने वाली है। तो एयरपोर्ट के सामने एक स्टारबक्स है, तो हम अभी उधर ही जा रहे बैठने, थोड़ा देर उधर ही बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर निकलेंगे हमारे बस के लिए। तो चलिए स्टारबक्स चलते हैं अभी। फाइनली हमारी बस आते हुए 12 बजे रात को और हम बस चढ़ने जा रहे हैं अभी बस। तो आपको मिलता हूँ मैं सीधा बस में अभी। थैंक यू जी, वीर जी। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो मैं बस से अभी जस्ट उतरा हूँ और अभी बजे है सुबह के 7:40 और बस वाले ने तो क्या ही चलाया है, इतनी छोटी छोटी रोड्स पे कैसे ऐसे से निकाला है, क्या चलाया है वीर जी ने। तो आप सोचिए हम कहाँ हैं, गेस कीजिए। पीछे वादियाँ देखिए और गेस कीजिए हम कहाँ हैं। बता देता हूँ, हमें कसौल में और मैं कसौल की गलियों में चल रहा हूँ अभी। और अभी इधर से मैं बेस कैंप जा रहा हूँ अपने, बस स्टैंड से सिर्फ 400 मीटर दूर है, तो हम भी उधर ही जा रहे हैं। तो आपको मैं सीधा बेस कैंप में मिलता हूँ। तो हम अपने बेस कैंप पहुंच गए थे। तो हमारा बेस कैंप यहाँ से एंट्री होता है, हमारा बेस कैंप कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ से एंट्री है कैंप की, राइट हैंड साइड पे वॉशरूम्स है फॉर गर्ल्स बॉयज एंड स्टाफ, और वहाँ से टेंट चालू होते हैं रहने के लिए। यहाँ से पहले व्यू देख लो, और ये पीछे की तरफ स्नो माउंटेन्स है।
और ये मेरा टेंट है, ये मेरा सामान है इधर, और ये मेरा टेंट है। एक टेंट में 5 लोग सोएंगे। और इस तरफ डाइनिंग एरिया एंड किचन एरिया है। ये बेस कैंप का डाइनिंग एरिया और किचन है। अभी हम लोग का 9:30 बजे नाश्ता होएगा, तो चलिए मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो जाता हूँ, फिर आपको दोबारा मिलता हूँ आप लोगों से। नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है, तो चलिए देखते हैं नाश्ते में क्या है। नाश्ते में है सैंडविच, दलिया और चाय। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:15। अभी खाना लग चुका है। खाने में हमारे पास राजमा है, राइस है, मिक्स वेजिटेबल है, कड़ी है, तो हम खाते हैं वो। और उसके बाद हमारा एक एक्लिमेटाइजेशन का वॉक है, जो हम 2 बजे जाने वाले हैं कसोल मार्केट घूमने, तो हम खा लेते हैं। मेल आया था ना, उसमें जो 2 कॉन्टेक्ट थे, एक नीरज करके था और एक सैंपल। तो वॉक के लिए रेडी हो गए, शूज पहन लिए, अभी वॉक के लिए जाएंगे। 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, ठीक है? आपका वॉक पे अभी आप लोग जा रहे हैं। ओके गाइस, अभी आप लोग जब वॉक पे जा रहे हैं, वॉक का पर्पस क्या है? वार्म अप। देखो, सबसे फर्स्ट रहता है बॉडी यूज टू करना, एक्लिमेटाइजेशन वॉक, ठीक है? सेकंड रहता है, अभी हमें पता नहीं कि में स्लो वॉकर कौन है। अभी आपके साथ जो लीडर रहेंगे, इनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं, जो आपके साथ 3, 4, 5 डेज जितना भी हमारा ट्रैक है वो साथ में रहेंगे। ये नमन सर है, ठीक है? ये आपके ट्रैक लीडर है, ठीक है? एंड जितेंद्र सर, ये भी आपके ट्रैक लीडर है, और एक थर्ड मेंबर है जो अभी गए, उनका नाम है मुकेश। ये 3 लोग आपके साथ रहेंगे। उस तरह ऐसे टॉयलेट नहीं रहते कि वेस्टर्न वाले, की इंडियन टॉयलेट रहते हैं इंडियन स्टाइल के, तो ऐसा रहता है कि आपको ये कंफर्ट जोन है, सारे कंफर्ट जोन से बाहर आपको लोगों को निकलना है, लीडर जो बोलता है उतना सुनना है। ओके, रेडी? यस। कुछ क्वेश्चन? नहीं, होने चाहिए दिमाग में, नहीं है? ओके, कौन लीडर? पहले आप आ जाओ, सारे गर्ल्स यहाँ पे जाओ। कौन से क्या करना तो वॉक हो गया हमारा, अभी 15 मिनट्स का ब्रेक है, हम वापस अभी मार्केट जाएंगे। 1 घंटा उधर थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग जो भी करना है कर सकते हैं, जिनको जो सामान लेना है वो ले सकते हैं। हम उसके लिए मार्केट जा रहे हैं, फिर उधर से वापस से बेस कैंप जाएंगे। 5 बजे हमारा टी एंड स्नैक्स है, उसके बाद पुष्कर भैया हम लोग को थोड़ा गाइडेंस और ओरिएंटेशन देंगे, बैग्स देंगे, जिनके पास बैग्स नहीं है उनको सब बैग कैसे पैकअप करना है सब करेंगे। बोलो, आ रही आ रही, बोलो जो बोलना बोलो। बोलना
ये जी कसौल की मेन मार्केट जहाँ पर हम घूम रहे हैं। कोई लोग अपने शूज़ देख रहे हैं, जैकेट देख रहे हैं, जो जो उनको चाहिए। ये पीछे गली है कसौल की, ये मार्केट है पूरी। नहीं अभी इसके बाद हम लोग अपने कैंप साइट चले जाएंगे जहाँ पर हमारा ओरिएंटेशन है। बैक एट कैंप साइट सब लोग आ गए। अभी बैग वैग रखेंगे, सब रखेंगे और जाएंगे टी एंड स्नैक्स के लिए जो 5 बजे है हमारा। तो आपको सीधा टी एंड स्नैक्स के उधर मिलता होगा। तो नाश्ता हमारा आ चुका है। नाश्ते में है आलू के पकौड़े और है साथ में चाय है, साथ में ये आलू के पकौड़े है और साथ में चाय है। तो अभी हम सब नाश्ता ही करें, मैं भी नाश्ता ही कर रहा हूँ। नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद ओरिएंटेशन होएगा हमारा और गाइडलाइन सब बताएंगे कल के ट्रैक के लिए। दिस इज अवर कसौल की स्कैम। सो जो भी ट्रैक्स हमारे होते पार्वती वैली के, मोस्टली वी डू 7 मंथ्स एंड इट गोज फॉर लाइक 2 मंथ्स, वी डू 60 बैचेस। तो इसके लिए दिस इज द बेस कैंप। ये आपका ट्रैक कल से शुरू होगा। हाउ द ट्रैक इज, सो कल का ट्रैक 9 किलोमीटर का है, से 5 आवर्स 6 आवर्स। सो ग्रहण इज अगेन वेरी यूनिक थिंग टू एक्सप्लोर। ओके, दीज पीपल आर सिबलिंग्स ऑफ पाला। 500 years पहले दे शिफ्टेड एंड सेटल्ड ओवर देयर। So, a lot of things that you can check up on Graham, ask to the guides, they will tell you. Okay. अभी बजे रात के 8:50, हमारा ओरिएंटेशन के बाद थोड़ा टाइम पास हुआ, फिर 8 बजे खाना लग गया था। मैं खाने की वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि हम सबको बहुत जोर से भूख लगी हुई थी और सब लोगों ने फटफट खा लिया और सब थके हुए भी है क्योंकि सुबह से उठे हुए हैं सब लोग। तो अभी बस सोने की तैयारी है, 10 बजे तक सो जाएंगे सब लोग। ये मेरा टेंट है, स्लीपिंग बैग सब दे दिया है। अभी बस बैग पैक किया है, उन्होंने लाइन एंड गेटर्स दिए हमको। बस अभी थोड़ी देर ओके सो जाएंगे थोड़ी देर। तो यहाँ हमारा डे वन ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा पहला व्लॉग है तो थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल दूसरे दिन पे जहाँ पर हमारा ट्रैक चालू हो रहा है। बाय बाय। नमस्ते दोस्तों, पहुंच गए साइट, आ गए हम लोग सब लोग। हमें कसौल में